दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में कल जब मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, ठीक उसी समय जम्मू से आतंकी हमले की खबर आई। आतंकियों ने जम्मू के रियासी इलाके में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने बस का संतुलन खो दिया और बस नीचे खाई में जा गिरी। इससे 9 लोगों की मौत हो गई, 33 यात्री घायल हो गए। इस आतंकी हमले के बाद से सेना एक्शन में है। आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन के जरिए घने जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस आतंकी हमले को काफी गंभीरता से लिया है और सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। केंद्र में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुआ ये आतंकी हमला। हमले के बाद सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर से जुड़े TRF का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा तंत्र को मिल रहे इनपुट्स के मुताबिक आतंकियों में लगभग 12 जिहादी हैं, जो जम्मू क्षेत्र में 2 या 3 के ग्रुप में रजौरी पुंछ के जंगलों के अंदर टोह ले रहे थे। इस आतंकवादी समूह में LOC के पार के कई पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्होंने किसी सुरंग के जरिए नियंत्रण रेखा पार की। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों को वो सुरंग नहीं मिली है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है। हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम जो हैं, तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं, वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं, और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको देखिए। मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमैच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कंटिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस लीड्स आ रही हैं, उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशन या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेगी, वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। आतंकियों ने रविवार शाम करीब 6:15 बजे यात्रियों की इस बस को निशाना बनाया। फायरिंग से यात्रियों को बचाने के चक्कर में ड्राइवर बस का नियंत्रण खो बैठा और बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में 42 तीर्थ यात्री बैठे थे, जो शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। इनमें से 3 महिलाएं समेत 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और 33 अन्य घायल हो गए हैं। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिव खोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। अच्छा, जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी। मैं संत कबीर नगर UP से आया हूँ और शिव खोड़ी के दर्शन के लिए गया था, और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया, और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं उसमें, कोई बड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। सुरक्षा फोर्सेज और इन्वेस्टिगेटर्स कल से इस जगह पे हैं। जो भी उनको कुछ भी शहादतें एविडेंस मिली उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कार्ट्रेजेस हैं, किस तरह का वेपन और हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है 2 से 3 आतंकी इस हमले में मुलव्वस थे। ये बस शिव खोड़ी जो एक गुफा है, एक केव टेम्पल है, वहाँ से आ रहे थे और यहाँ से फिर वो कटरा जा रहे थे, जो करीब 70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। पुलिस और प्रशासन सभी लोग जुट गए राहत कार्य में। यहाँ J&K एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा फोर्स ने ये राहत कार्य के लिए वो हेल्पलाइन भी कायम की है। हमले के तुरंत बाद सरकार ने कहा कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 5 सालों में रजौरी और पुंछ के इलाकों में सेना को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस साल भी जून 29 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में ये हमला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। रियासी से अपने सहयोगी नज़ीर मसूदी के साथ, नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।